जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, दशहरे का पर्व हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। जहां एक तरफ इस पर्व का इतिहास रावण के संहार से जुड़ा है, वहीं यदि इस दिन आप अपनी समस्याओं का भी संहार करना चाहते हैं, निवारण करना चाहते हैं, तब कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें अपनाकर अपने जीवन के दुख तकलीफ सभी दूर कर सकते हैं। आप विरोधियों से परेशान हैं या धन संबंधी समस्या है, कोई भी समस्या हो, इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए कुछ उपाय अवश्य आजमाएं। दशहरा का पर्व, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये दिन जो चल रहे हैं नवरात्रा, उसके बाद दशहरा, उसके बाद जो धनतेरस से दीपावली तक का समय, अब इन्हें ये सब दिन कुछ ना कुछ यदि उपाय किए जाएं, कुछ छोटे छोटे कार्य किए जाएं, तो आपको जीवन की समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। धन से संबंधित समस्याएं वह समाप्त हो सकती है। व्यापार उतार चढ़ाव चल रहा है, व्यापार में भी वह भी आपको बदलाव हो सकता है। दशहरे का दिन आप सभी जानते होंगे शमी के पौधे का पूजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको व्यापार से संबंधित कोई समस्या है, तो आप दशहरे के दिन शमी, जो शमी, आप ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो शमी नहीं जानता, शमी भोलेनाथ को समर्पित होता है, तो आप दशहरे के दिन शमी के पेड़ का एक पौधे का एक उपाय आजमा कर और आप अपने व्यापार से संबंधित कोई भी समस्या को हो उसे दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको दशहरे के दिन दोपहर के समय ईशान कोण में कुमकुम और फूलों से अष्टदल कमल की एक आकृति बनाएं। इसके बाद देवी जया और विजया का स्मरण करते हुए, आप फिर से ध्यान दें, जया और विजया देवी का स्मरण करके पूरी विधि विधान से पूजन करें। देवी की पूजन के बाद आप शमी के पौधे का, आप यदि आपने घर में लगा कर रखा है तो बहुत ही श्रेष्ठ, नहीं लगा के रखा है तो जहाँ भी शमी का पौधा या पेड़ है वहाँ आप ये कार्य कर सकते हैं। वैसे तो शमी का पौधा घर में होना चाहिए, दशहरे के दिन इसका बहुत महत्व होता है। आप देवी की पूजन के बाद शमी के पौधे के नीचे एक घी का दीपक लगाएं और शमी के पौधे के पास से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर घर के किसी कोने में रख दें। ऐसी मान्यता है कि इस टोटके से आपको व्यापार में लाभ मिलने के साथ साथ नौकरी में प्रमोशन भी हो सकता है। कोई भी समस्या है आपके जीवन की, जैसी भी समस्या है आपकी जीवन की, दूर हो जाती है। दशहरे के दिन शमी के पेड़ के नीचे घी का दीपक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य करता है। और यदि आप नौकरी में किसी व्यक्ति से परेशान हैं या आपको लगता है कि आपकी सैलरी कम है, आपको प्रमोशन चाहिए, तो आप इसकी मिट्टी को उठा के अपने वर्क प्लेस पर भी रख सकते हैं। यदि इसी प्रकार आप इस शमी के पेड़ की मिट्टी को अपने घर में चुटकी चुटकी भर के बिखरा देते हैं, पूरे घर के हर प्रत्येक कमरे में, तो नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। और कारोबार में उन्नति के लिए दशहरे के दिन एक नारी ले लें, उसे 1.25 मीटर पीले कपड़े में लपेट लें, फिर एक जोड़ा जनेऊ 1.25 पान यानी एक पान ले लें और उसमें जो भी सामग्री रखेंगे उसे सवाया कहलाने लगता है। एक पान और शमी के पेड़ की मिट्टी के साथ सारी सामग्री को आप किसी भी राम मंदिर में समर्पित कर दें, चढ़ा दें, इससे आपको अवश्य धन लाभ होगा और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। बहुत ही छोटे छोटे उपाय होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे ये भी बहुत अच्छा उपाय है, इसे करके आप अवश्य आजमाइएगा। दशहरे के दिन अपने हाथ में एक फिटकरी का टुकड़ा ले लें और उसे लेकर किसी सुनसान जगह पर चले जाएं। ऐसे स्थान पर जाएं जहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं। इसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए, जो भी आपके इष्ट हो, चाहे राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, जिनका भी आप स्मरण करते हैं, उनका स्मरण करें और अपने ऊपर से 7 बार इस फिटकरी को उतार कर और पीठ के पीछे, सिर के ऊपर से पीठ के पीछे फेंक दें, फिर बिना पीछे देखे अपने घर वापस आ जाएं। आप देखना कितनी सारी समस्या इस छोटे से टोटके से आपकी दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ एक
ये उपाय भी बहुत ही श्रेष्ठ है। दशहरे की शाम को शमी के पेड़ के पास जाएं, वहाँ खड़े होकर अपनी सारी समस्याएं, आपके जितने भी जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन शमी का वृक्ष होना चाहिए। छोटा पौधा यदि है तो फिर यह काम नहीं हो सकता। आपको वृक्ष के पास जाना है, और क्योंकि वृक्ष अपने आप में संपूर्ण होता है, पौधा छोटा होता है और आप उसकी छाया आपको नहीं मिल पाती पर्याप्त। आप जब वृक्ष के नीचे खड़े होते हैं तो आपके ऊपर उसकी पूरी छाया, यानी आप उसके आश्रय में खड़े हुए हैं। आप वहाँ खड़े होकर और पेड़ को छूकर अपनी सारी समस्याएं उसके समक्ष कहें। एक लाल धागा लें और शमी के वृक्ष को नमन करके उसके बाद तने से चारों तरफ आप धागा बांधें। कुछ ही दिनों में आपको अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन, जो भी आपकी समस्याएं थी, धीरे धीरे एक एक कर पूरी समस्याएं दूर होने लगेंगी। दशहरे वाले दिन हनुमान जी की पूजन करना भी बहुत श्रेष्ठ, बहुत लाभकारी माना गया है। यदि आपके पास पर्याप्त समय है, आधे एक घंटे का समय है, तो आप सुंदरकांड करें। अन्यथा यदि, क्योंकि त्यौहार का दिन होता है हमारे पास समय नहीं मिल पाता हमें, तो हम हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर के मंदिर के समक्ष बैठकर और तेल का दीपक लगाकर करें, इससे भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति। आप दिन में कर सकते हैं तो दिन में करें, और शाम के समय, वैसे इसका महत्व शाम के समय का ज़्यादा है, लेकिन दशहरे का त्यौहार ऐसा है जो शाम के समय ज़्यादा हम व्यस्त रहते हैं। रावण मारने जाना है, हमें अपने मिलने वालों से मिलना है, ये सब शाम के समय ही किया जाता है। यदि रात्रि के समय आप 12 बजे तक भी थोड़ा सा फ्री होते हैं, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि कई लोगों को कंठस्थ होता है हनुमान चालीसा, आप कर सकते हैं। इससे भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति, अपने आप में शांति का अनुभव होगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। साथ ही दशहरे के दिन शाम के समय माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए यदि मंदिर में आप झाड़ू दान करते हैं, इससे भी आपके घर में धन और समृद्धि आने के योग बनते हैं। यदि व्यापार में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, तो दशहरे के दिन आप पूजन कर और मंदिर में 10 फल समर्पित करें। कोई से भी हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक फल एक ही लेना है। एक फल दो दो तीन तीन करके भी आप 10 फल लें, क्योंकि दशहरा 10 सामग्रियों का इस दिन विशेष महत्व होता है। और जब आप ये सामग्रियां चढ़ाते हैं, दान करते हैं, मंदिर में समर्पित करते हैं, तो आपको उस समय मन ही मन ओम विजयाय नमः, यानी इस मंत्र का ऐसा है कि आप जिस भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, आपको अवश्य प्राप्त होगी। ये शुभ मुहूर्त में ही करें, और मध्याह्न का मुहूर्त शुभ है, आप उसमें करते हैं तो आपको अवश्य जो भी कार्य आप करना चाहते हैं उसमें सफलता मिलेगी, बिजनेस में भी आपकी तरक्की होगी। यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले में बहुत लंबे समय से फंसे हुए हैं, आपको लगता है कि आप अपनी जगह सही हैं और जो सामने वाला पक्ष है वह गलत है, तो आप यह कार्य कर देखें, अवश्य आप कोर्ट कचहरी के मामले से जल्दी मुक्ति हो जाएंगे। दशहरे के दिन यानी आज के दिन ही आपको शाम के समय शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और विनती करें कि यह केस में मैं वरी होना चाहता हूं, क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी गलती नहीं हुई है, इसलिए मुझे जल्दी इससे मुक्ति मिले। आप यह लगाते हैं, ये करते हैं, तो जल्दी ही आप कोर्ट कचहरी के मामले से दूर निकल जाएंगे। कर देखें बहुत। और आज के दिन नीलकंठ का दर्शन यदि हो जाए, तो मान लीजिए कि भोलेनाथ आपके समक्ष खड़े हुए हैं, अपना पूरा पूरा आशीर्वाद और प्यार आप पर लौटा रहे हैं। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दशहरा आपके लिए बहुत ही खुशियों भरा हो, और आगे तक आप उन्नति करते रहें। ओम नमः शिवाय।